माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में और माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्री हृदेश के मार्गदर्शन में दिनांक 10 जुलाई 2021 को तहसील विधिक सेवा समिति बिजावर में श्रीमती निशा गुप्ता सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 प्रकरणों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक क्षतिपूर्ति के रूप में अवार्ड किया गया तथा पारिवारिक विवादों का भी निराकरण किया गया। विशिष्ट मामलों के रूप में नरेंद्र साहू विरुद्ध कविता साहू निवासी ग्राम धर्मपुरी थाना बक्सवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का मामला रहा। उसमें आवेदक तथा अनावेदिका के मध्य मामूली विवाद पर परिवार बिछड़ गया था। दोनों पक्ष लगभग 6 माह से अलग निवास कर रहे थे। उनके 1 वर्ष का बालक छायांश भी है, जिसके भविष्य को देखते हुए श्रीमती निशा गुप्ता और श्री रूपेश गुप्ता एवं न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ता स्वामी प्रसाद खरे और सुनील अवस्थी तथा सुधीर खरे के संयुक्त प्रयासों से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत हुए हैं और आज दिनांक को लोक अदालत में उन्हें फलदार पौधा भेंट कर परामर्श देकर साथ में रहकर नई शुरुआत करने के लिए घर भेजा गया और मामले का निराकरण किया गया। हमारे वकील साहब और माननीय न्यायालय के द्वारा समझाया गया, उसके बाद हम लोग साथ रहने जा हमारे वकील साहब स्वामी खरे और अवस्थी जी और माननीय न्यायालय द्वारा सब अच्छे से समझाया गया। इस बात हम लोग समझ में आ गई। और एक छोटे से 4 माह का बच्चा था, उसके माता पिता छोटी सी बात पर अलग अलग हो गए थे, परंतु माननीय निशा गुप्ता मैडम द्वारा एवं पक्षकारगण के अधिवक्तागण द्वारा, जिसमें श्री स्वामी प्रसाद खरे जी एवं सुनील अवस्थी जी शामिल थे, हम लोगों ने मेरे द्वारा, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वामी खरे द्वारा एवं माननीय न्यायालय के द्वारा समझाइश दिए जाने पर ये आज लोक अदालत में दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हुए और आज इन लोगों का राजीनामा होकर के न्यायालय द्वारा प्रकरण समाप्त हुआ।